ये पता नहीं तुमने क्या किया है ये वाली चीज़ के साथ। सबसे पहले तुम्हें स्टेप्स वगैरह लिखनी चाहिए ना कि यहाँ पे ये 4 × 16 तो ये वाली चीज़ हो जाएगी इस तरीके से 64। उसके बाद ये वाला काम करना चाहिए। हाँ ऐसे डायरेक्ट, और ये बीच में मुझे ये प्लस दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन ठीक से ड्रॉ किया करो। और ये यहाँ अब देखो, फोटो इतनी गंदी खींचे हो तुम, हाथ हिलाया मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए ना। देखो फिर से वही वाली तुम्हारी मिस्टेक है, माइनस माइनस है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, +2√5 हो जाएगी ना ये चीज़। ये सवाल रिपीट हो गया है। ये गलत हो गया है यहाँ पर, ये स्क्वायर, ये इस चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है? इस चीज़ को ठीक कर लेना, यहाँ तक की स्टेप्स करते हैं तुम्हारी। अब 35 में से 24 इसे कौन करेगा? हाँ ये वर्क तुम्हारा इनकम्प्लीट है। ये वाला किया क्यों नहीं है तुमने अभी तक? ये वाला सवाल तुम्हारा अनअटेम्प्टेड है, इसे करो, ये इनकम्प्लीट है, ठीक से करो इसको। ये 216 होता है, करो इसको ठीक से, ये नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे गलती है, ठीक है? इसमें अपना करेक्शन ढूंढो खुद, और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहले खुद अपने करेक्शन ढूंढने की आदत डालो, क्योंकि पेपर में रीचेकिंग तुम्हें खुद को करनी है कि तुमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है? अपना करेक्शन वहाँ पे खुद ढूंढो, और नहीं मिले तो मुझे बताओ फिर। ये वाला है आदित्य, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? बीच में प्लस की साइन है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ प्लस की साइन जो रहती है वो आपका वो थोड़ी ना करती है साइन चेंज, है ना? वो तो एकदम सादी सिंपल प्यारी सी साइन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर लाइक टर्म्स को पास में लाके ऐड कर देंगे। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड कर दो, ये वाला और ये वाला, फिर उसमें गलती क्या है? इसको ठीक करो, ये भी नहीं है कंप्लीट वर्क। बाप रे, 12 7 = 84, ये तो खतरनाक। नहीं 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 सही है, सॉरी मेरा ध्यान में, 12 8 तक सोच के कर दिया, सॉरी। यहाँ पे √3 है, इसका रूट खा गए हो तुम।
अभी जो रूट फोर होता है वो रूट फोर क्या होता है? हाँ रूट फोर को ही तो टू कहते हैं ना, तो ये फोर टू सा एट नहीं हो जाएगा? यहाँ पे भी तुम्हारी स्क्वेयरिंग में गलती है। रूट एटीन को तुमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, तुम रूट एटीन को सिंप्लीफाई करो, ये चीज़ होगी सॉल्व, ये इनकम्प्लीट वर्क है अभी। ठीक है, कल भी मैंने तुम्हें बोला था इसे। अच्छा तुम तो अभी चलो सॉल्व कर चुके हो, मेरे को ध्यान नहीं रहा, फोटो दोबारा खींच रहे हो, सॉल्व तो वही है। एक लाइन में लिखा करो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करो, दो लाइन्स का यूज़ मत किया करो। ठीक है, जो गलतियाँ हैं और जो छोड़ दिए हो उसे कर लेना, और तीनों तुम्हारा चेक हो चुके हैं प्रैक्टिस शीट्स, तीनों प्रैक्टिस शीट